नमस्कार। हम आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो एलेक्सी शिरोव और हिकारु नाकामुरा वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट दो ग्रैंड मास्टर्स हैं, और डेफिनेटली बहुत बहुत सारे प्लेयर्स के ये फेवरेट प्लेयर भी होंगे, क्योंकि अगर हम रैपिड और ब्लिट्स की बात करें तो नाकामुरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर है, और एलेक्सी शिरोव सबको पता है कि एक ज़माने में वो बहुत स्ट्रांग प्लेयर थे और अभी भी उनका रेटिंग जो है वो रैपिड में 2684 है। इसका मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छा खेलते हैं। और अगर पुरानी बात करें तो एलेक्सी शिरोव का बहुत ज़्यादा नाम था, और खासकर जो मेन उनका जो स्टाइल था कि अनक्लियर चेस खेलने का या अटैकिंग चेस खेलने का, उन्होंने जो दो बुक्स, मैंने इसके पहले भी बहुत बार बोला ये कि फायर ऑन बोर्ड जो बुक है वो डेफिनेटली सबको पढ़नी चाहिए, दोनों वॉल्यूम, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। और इस गेम में हम देखते हैं कि क्या हुआ था क्विकली, तो हम लोग गेम विंडो की तरफ जाते हैं। जो गेम स्टार्ट हुआ वो e4 e5 Nf3 Nc6 Bb5 Nf6। बर्लिन डिफेंस वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फेमस है, और डेफिनेटली शिरोव के अगेंस्ट खेलने का अगर ये जो चॉइस था नाकामुरा का, वो इसलिए था कि बर्लिन डिफेंस में बहुत बार एंड गेम आ जाता है, तो एंड गेम खेलना ऐसे प्लेयर के साथ जो बहुत अटैकिंग खेलता है या अग्रेसिव खेलता है, उनके लिए बहुत अच्छा चॉइस था। लेकिन यहाँ पर मेन लाइन बर्लिन में जाने से अच्छा था कि शिरोव ने d3 खेला, और एक हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये इसको हम लोग एंटी बर्लिन भी बोल सकते हैं। बिशप c5 खेला यहाँ पे, आप देख सकते हैं बिशप इनटू c6 डीकट c6 और नाइट इनटू e5 नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वीन d4 डायरेक्टली आ रहा है, या फिर बिशप इनटू f2 मार के भी क्वीन d4 आ रहा है जिसमें e5 वापस आपको मिल जाएगा। सो टेम्परेली अगर ये पॉन अप मारते हैं इसमें तो ब्लैक को अच्छे पोजिशन आएंगे उसमें। सो c3 खेला यहाँ पे टू स्टॉप क्वीन d4, और आप फ्यूचर में d4 भी जा सकते हैं। d5 खेला यहाँ पे, यहाँ पर d5 के अलावा एक और गेम हुआ था इसके पहले विश्वानंद और अनिश गिरी का, जहाँ पे कैसल किया था गिरी ने, और आफ्टर कैसल d5 खेला यहाँ पे, ई कट d5 क्वीन कट d5 क्वीन b3, और ये गेम हुआ था कोलकाता 2019 में अभी इस साल। लेकिन गेम में नाकामुरा ने d5 खेला यहाँ पे और नाइट इनटू e5 मार दिया शिरोव ने। अब देखा जाए एक्चुअली तो इसमें आप ये जो नाइट इनटू e5 फिलहाल आप इसको मार नहीं सकते हैं, और अगर आप किंग f8 और कुछ खेलते हैं इसमें सो नाइट इनटू c6 आ रहा है। लेकिन गेम में कैसल कर दिया यहाँ पे ब्लैक ने, कैसलिंग के बाद बिशप इनटू c6 मारा, बी कट c6 और d4 खेला। अभी आप देख सकते हैं एक्चुअली नाइट इनटू c6 मारना थोड़ा रिस्की हो सकता था, क्योंकि जब आपका किंग सेंटर में पड़ा हुआ है तो ऐसे डिसीजंस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन e8 के बाद c6 को प्रॉब्लम है और डी कट e4 के बाद आपको e4 को अभी इश्यूज हैं। सो किंग सेंटर में रख के आप अगर पॉन्स का लालच करेंगे तो मुश्किल हो सकती है बहुत बार। सो यहाँ पे बिशप b6 खेला d4 के बाद कैसल। यहाँ पे आप क्विकली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम पॉन मारते थे तो क्या होता था, ई कट d5 अगर मारा होता तो क्वीन कट d5, और डेफिनेटली अभी अगर कैसल किया और आपको लग रहा होगा कि ये पॉन जो ब्लैक ने दिया उसके लिए आराम से हम लोग इसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आफ्टर c5 डेफिनेटली ये पोजीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है ब्लैक वाइट के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी सी कट d4 का थ्रेट है, और सबसे बड़ी बात बिशप b7 आके हम देख सकते हैं g2 पे भी इश्यूज हैं। सो ये और डेफिनेटली ब्लैक के पास डबल बिशप है, तो पेयर बिशप डेफिनेटली एडवांटेज क्रिएट कर सकता है उसके लिए। इसीलिए कैंसिल किया यहाँ पे पॉन मारने की जगह, जहाँ पे ब्लैक ने नाइट इनटू e4 मारा, f3 नाइट टू f6 रुक बिशप e3 रुकी है। अभी रुकी एट को आप देख सकते हैं कि जो थ्रेट है वो रुक इनटू e5 और बिशप इनटू e3 मर रहा है इधर। सो बिशप f2 खेला यहाँ पे, c5 नाइट इनटू f7, ये एक एक्चुअली बहुत ही अच्छे टाइमिंग पे आया था, क्योंकि आप देख सकते हैं नाइट इनटू f7 को जैसे ही नाइट इनटू f7 मारा तो किंग इनटू f7 ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, और डी कट c5 के बाद जो बिशप है b6 का वो एक्चुअली ट्रैप हो गया, क्योंकि अगर आप बिशप a5 जाते हो तो भी b4 आ रहा है, और डेफिनेटली इस पोजीशन में बिशप a5 पे देने का पॉइंट ये था कि अगर आप सी कट b6 दोगे तो फिर उसमें कुछ मिलने नहीं वाला है। लेकिन इस पोजीशन में आफ्टर b4 यहाँ पे c6 खेला ब्लैक ने, और बी कट a5 के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो चारों पॉन है एटलीस्ट इन चारों को प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, स्पेशली a5 और c3 को। सो यहाँ पर ba6 खेला ब्लैक ने, और ba6 के बाद रुक e1 क्वीन टू a5 नाइट d2 c3 को हम मार सकते थे, बट अगर आप c3 इमिडिएटली मारोगे यहाँ पे लेट्स से क्वीन कट c3
तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो a6 बिशप को आ सकता है। शायद यहाँ पे क्वीन ए फोर एक अच्छा मूव हो सकता है, जिसमें अगर आप बिशप b5 खेलते हैं तो क्वीन f4 आ रहा है, क्योंकि अभी d2 भी सपोर्टेड है और बाद में c7 चेक आ रही है एक, तो और a4 भी आ सकता है इसमें कभी, जिसमें आप बिशप अगर रिमूव करेंगे तो c6 को प्रॉब्लम है। सो एक ये कंटिन्यूएशन हो सकती थी, लेकिन गेम में आफ्टर नाइट d2 रुक e1 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, और रुक e1 के बाद यहाँ पे क्वीन इनटू c3 मारा, नाइट b3, और अब अभी देख सकते हैं एक्चुअली कि पॉन्स जो है वो इक्वल है, लेकिन और साथ ही साथ अपोजिट कलर बिशप भी है। लेकिन अगर किसी भी टाइप से कोई एंड गेम आ जाता है जिसमें कि व्हाइट अपना नाइट d4 पे मेंटेन कर ले और c6 वीक हो जाए, तो वो एक पोजीशन डिफिकल्ट हो सकती है ब्लैक को। तो क्वीन e1 एक्सचेंज किया यहाँ पे, रुक इनटू e1 और आफ्टर रुक e8 नाइट d4 आ गया, जो एंडिंग की मैं बात कर रहा था एक्चुअली। इसके बाद रुक इनटू बिशप इनटू e1 के बाद अब देख सकते हैं बिशप b7 फोर्स्ड है, और एक एक हिसाब से देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि ये गुड नाइट और बैड बिशप का ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना ब्लैक के लिए बहुत मुश्किल है। bg3 खेला यहाँ पे, bg3 को एक्चुअली g5 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, किंग f2, किंग को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। एंड गेम में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो किंग है उसको बहुत अच्छे से यूज करते आना चाहिए, बिकॉज अगर आप बात करेंगे एंड गेम की, तो अगर कोई ओपोनेंट आपका है जो जैसे इस पोजीशन में बिशप और नाइट के साथ खेल रहा है, लेकिन आप किंग भी लेके आ रहे हो, तो आप तीन पीसेस के साथ खेल रहे हो जबकि ओपोनेंट आपका दो पीसेस के साथ खेल रहा है। सो किंग को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। गेम में किंग f2 खेला यहाँ पे, किंग f2 के बाद h5 खेला ब्लैक ने, किंग e3 और किंग e3 के बाद नाइट g8 है। अभी नाइट मुझे लगता है अगर किसी किसी भी कंडीशन में इस बिशप से अगर ये नाइट एक्सचेंज हो जाता है तो डेफिनेटली वो पोजीशन बहुत मुश्किल हो जाएगी नाकामुरा को हैंडल करना। नॉर्मली नाकामुरा बहुत स्ट्रांग प्लेयर है रैपिड और ब्लिट्स में, लेकिन ये पोजीशन इतनी अच्छी नहीं लग रही है। सो h4 खेला यहाँ पे वाइट ने, आफ्टर नाइट g6 यहाँ पे hg मारा किंग इनटू, और अभी आप देख सकते हैं कि जो जो ब्लैक का जो d5 फास्ट पॉन है वो ब्लॉक किया हुआ है नाइट से, लेकिन इस पॉन में हम आराम से आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी बात, बिशप निकाल के अगर हमने किंग f4 और g4 खेला, हमारा पॉन आराम से प्रेशराइज कर सकता है ब्लैक को। सो बिशप c7 खेला यहाँ पे, किंग टू g6, बिशप टू d8 और नाइट h6 के बाद अभी डेफिनेटली जो आइडिया है वो ये कि नाइट f5 एक्सचेंज करवा लो, क्योंकि किसी भी हिसाब से अगर अपोजिट कलर बिशप आ जाता है तो डेफिनेटली नाकामुरा होल्ड कर लेगा इसको। सो किंग f4 खेला टू स्टॉप नाइट f5, नाइट f7, बिशप टू e7 और बिशप e7 के बाद आप देख सकते हैं नाइट को अच्छे स्क्वेयर्स है ही नहीं, नाइट h6 वापस जाना पड़ेगा। सो नाइट h6 खेला यहाँ पे a4 नाइट f7, ये एक हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक जो है वो पैरालाइज हो चुका है कि यहाँ नाइट h6 और नाइट f7 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इसमें। और किंग अगर आप दूर लेते हैं तो फिर और किंग f5 किंग e6 आ सकता है, बिशप आप हटाते हैं तो नाइट मर रहा है, पॉन पुश करेंगे a5 पे तो bd8 आके कभी a5 मर सकता है, इस पॉन को पुश नहीं कर सकते। तो एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन आ गया है। a5 खेला यहाँ पे, वाइट को कोशिश यही करनी चाहिए कि सब पॉन्स जो है वो डार्क स्क्वायर में रहे, और नाइट भी अभी डार्क स्क्वायर पे, तो बिशप कुछ नहीं कर पाएगा इसको। सो ये एक पोजीशन थी जो व्हाइट अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा था। नाइट h6 खेला वापस, bd6 और अब आफ्टर नाइट f7 बिशप b8 खेल के फोर्स करवा दिया a6 को भी, ताकि बिशप किसी भी हिसाब से बिशप a6 से निकलना नहीं चाहिए। और आफ्टर बिशप e5 अभी आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली नाकामुरा जो है वो नाइट इनटू e5 नहीं मारेगा, क्योंकि उसके बाद ये बिशप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और गुड नाइट वर्सेज बैड बिशप में आराम से व्हाइट जीत सकता है। सो नाइट d8 खेला यहाँ पे, बिशप c7 नाइट टू f7 बैक और नाइट f5। अब कोशिश ये है कि जो नाइट के जो h6 का स्क्वायर है वो भी नहीं आ रहा है, और किंग f7 खेलना पड़ा यहाँ पे g4, और फाइनली आफ्टर hg fg जो व्हाइट का जो पॉन है, अभी अब नाइट g5 नहीं आ सकते हो बिकॉज इसमें bd8 आ रहा है और डेफिनेटली g5 मारने वाला है आपका। सो किंग g6 खेला यहाँ पे, बिशप टू d6, हमेशा हमेशा व्हाइट ये ट्राई कर रहे हैं कि ब्लैक का जो नाइट है वो बिशप से अगर एक्सचेंज होता है तो डेफिनेटली विनिंग पोजीशन आ जाएगी ब्लैक की, सॉरी व्हाइट की। सो बिशप e7 खेला यहाँ पे, नाइट e6 चेक, किंग टू e5, फाइनली किंग इम्प्रूव हो रहा है, और ब्लैक ने सॉरी व्हाइट ने यहाँ पे बिशप e7 रख के g5 को भी कंट्रोल करके रखा है, ताकि किसी भी हिसाब से किंग g5 और किंग इंटू g4 नहीं आ पाए। बिशप c8 खेला यहाँ पे,
बिशप एच फोर, किंग एच सेवन, और आफ्टर नाइट ई सेवन सी सिक्स पे प्रॉब्लम है, और बी डी सिक्स के बाद यहाँ पे किंग डी सिक्स खेला, जिसमें आप देख सकते हैं कि नाइट एफ एट एक फोर्स्ड मूव आ गया, क्योंकि आप बिशप ई एट जा नहीं सकते थे इसमें, बिशप ई एट को ई सिक्स मर रहा है, सो नाइट एफ एट फोर्स्ड हो गया, जिसमें जी फाइव खेला, और अभी आप देख सकते हैं जी सिक्स का थ्रेट है, क्योंकि उसमें नाइट इंटू जी सिक्स आके किंग इंटू डी सेवन मर सकता है, सो डी फोर खेला, जी सिक्स आप डेफिनेटली मार नहीं सकते हो, बिकॉज अगर आप नाइट इंटू जी सिक्स मारोगे तो नाइट कट जी सिक्स, किंग कट जी सिक्स और किंग डी सेवन आ रहा है, और डी अगर डी थ्री खेलते हैं तो बिशप इधर आ जाएगा, और उसके बाद में इस पॉन को मार के ये पॉन आराम से क्वीन बन जाएंगी, सो ये क्लियर विनिंग था। सो किंग जी सेवन खेला यहाँ पे, बिशप टू एफ टू, नाइट ई सिक्स, डेफिनेटली अगर आप इस पोजिशन में देखें कि आप अगर पुश कर रहे हो पॉन को इसमें, तो डी थ्री के बाद बी डी फोर चेक आ सकता है एक, और बी डी फोर को आप देख सकते हैं कि किंग एच सिक्स के बाद मैं सीधा पॉन पुश कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप भले ही आपने इसको पॉन पुश कर भी दिया डी टू पे, तो भी जी कट एफ एट के बाद चेक आ रहा है इधर, देख सकते हैं, और ये पोजिशन डेफिनेटली विनिंग होना चाहिए। सो इसलिए नाइट ई सिक्स खेला यहाँ पे, किंग इंटू डी सेवन, नाइट इंटू सी फाइव, किंग इंटू सी सिक्स, नाइट बी थ्री, मुझे लगता है ये अभी कम्प्लीटली विनिंग है, लेकिन फिर भी नाकामुरा ट्राई कर रहे हैं कि अगर किसी भी हालत में ए फाइव मर जाता है तो कोशिश करेंगे कि जी सिक्स को मारने की, और फिर वो पोजिशन में भी थोड़ा चांस हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। बिशप ई वन खेला यहाँ पे ए फाइव को बचाने के लिए, किंग एच सिक्स, किंग बी सिक्स, और आफ्टर डी थ्री यहाँ पे किंग इंटू ए सिक्स मार दिया, जिसमें डी टू को बिशप इंटू डी टू फोर्स्ड है, नाइट इंटू डी टू मारा, और किंग बी फाइव यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी था, डेफिनेटली आपको किंग बी सिक्स नहीं जाना चाहिए इसमें, क्योंकि अननेसेसरी ये भी शायद इसमें चांसेस का ये ट्राई कर सकते थे, लेकिन ये डेफिनेटली ड्रॉ हो जाएंगी, क्योंकि नाइट सी फोर चेक के बाद आप देख सकते हैं किंग बी फाइव अगर खेलते हैं यहाँ पे, तो नाइट इंटू ए फाइव मर सकता है, और नाइट इंटू ए फाइव के बाद किंग इंटू ए फाइव मारा अगर इधर, तो किंग जी सेवन आ जाएगा, और अभी आप देख सकते हैं ये पोजिशन एक्चुअली आराम से ड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब नाइट और पॉन का कॉम्बिनेशन होता है तो एक नॉर्मल रूल है कि नाइट हमेशा पॉन के पीछे से डिफेंड करना चाहिए इसमें, अगर आप आगे से उसको डिफेंड करोगे तो किंग उसको अटैक करेंगे और उसको मार देगा, अगर वो एफ फोर इवन ई फाइव या एच फोर किसी भी स्क्वायर पे डिफेंड करता था पॉन को, तो ये विनिंग हो सकता था, क्योंकि उस कंडीशन में आप नाइट को आके मार नहीं सकते हो, बिकॉज पॉन प्रमोट हो जाएगा, पर यहाँ पे अगर आप लेट्स से किंग बी सिक्स या बी फाइव खेलते हो तो किंग एफ सिक्स आ सकता है, और अब आप एक मूव पीछे हो, किंग सी सिक्स में इसको सपोर्ट नहीं आ सकता है, और अगर आप नाइट रिमूव करते हो तो पॉन मरे, और अगर आप किंग सी सिक्स खेलोगे तो पॉन टेक्स मार के इस पॉन को भी वो रोक लेंगे आराम से। सो वहाँ पे किंग बी फाइव खेला टू स्टॉप नाइट सी फोर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टाइम प्रेशर में कभी कभी मिस हो सकते हैं ऐसे पोजिशंस। मुझे याद है मैं नाइट एंडिंग खेल रहा था, तो ऐसे कुछ चांसेस थे जो एक्चुअली मिस हो गए थे। सो यहाँ पे नाइट ई फोर खेला, जहाँ पे ए सिक्स खेला यहाँ पे वाइट ने, और इधर आके रिजाइन कर दिया, क्योंकि किसी भी हालत में अगर आप नाइट ई सिक्स डी सिक्स चेक देते भी हो तो भी किंग सी सिक्स के बाद नाइट सी एट नहीं है आपके पास, क्योंकि नाइट डिफेंड करा, और दो पॉन्स अकेले नाइट के साथ रोकना पॉसिबल नहीं था, स्पेशली अभी ए पॉन क्वीन बनी रहा है। सो यहाँ पर आकर रिजाइन कर दिया नाकामुरा ने, और ये मेरे हिसाब से देखा जाए कि आज की तारीख में जहाँ पे नाकामुरा को सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, यहाँ एक्चुअली वो हैं ही वैसे, तो शिरो का वहाँ एक गेम जीत जाना नाकामुरा से एक बहुत अच्छा रिजल्ट था शिरो के लिए। वैसे देखा जाए तो दोनों ही मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, क्योंकि पहले मैं जब खेलता था तो मैं शिरो के बहुत गेम्स देखा हूँ मैंने, और रिसेंटली नाकामुरा को आप हर जगह देख सकते हो जहाँ पे रैपिड ब्लिट्स होता है, तो और खासकर ट्विच पे या फिर जब भी ऑनलाइन बुलेट या ब्लिट्स की बात होती है तो नाकामुरा एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सेकेंड डे उनके लिए अच्छा रहेगा, और एलेक्सी शिरोव भी कुछ बहुत अच्छे गेम्स खेलेंगे। इस टूर्नामेंट का एक गेम मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, कोशिश मैं करूँगा कि और अच्छे गेम्स जो भी हों उनको हम देखें। अगर आपके पास भी कोई गेम है तो आप मुझे बता सकते हैं, और क्विकली हम लोग उसको भी देखेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।